हेलो व्यूअर, आप में से अगर किसी को सीजनल एलर्जी है, सीजनल एलर्जी की वजह से या तो उसके आंखों पे इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं या आंखों में एलर्जी होती है। अगर नाक की बात करें तो नाक में स्नीजिंग छींकें वगैरह शुरू हो जाती हैं या ज़ुकाम वगैरह हो जाता है या गले में खराश वगैरह हो जाती है या खांसी हो जाती है, तो वो मरीज़ बिल्कुल परेशान ना हो, किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से जाके ये टैबलेट ले सकते हैं। दोस्तों, ये इंतहाई मुफीद कह सकते हैं और इंतहाई कम कीमत पर हमें मिल जाती है मार्केट से। दोस्तों, वो बच्चे जिनकी उम्र अगर 6 साल से कम है, बेहतर है वो इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ये एक OTC ड्रग है, यानी कि बग़ैर पर्ची की आपको मिल जाती है बाज़ार से। इस टैबलेट के कुछ एहतियात हैं, जैसे कि वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें जिनको अगर ड्राइविंग वगैरह करनी हो, क्योंकि ये एंटी हिस्टामिन है, ये नींद वगैरह देती है। और दूसरा, कोई ऐसा मरीज़ जो पहले से दिमाग की दवाएं ले रहा हो, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एनजाइटी हो गया, या कोई मिर्गी वगैरह का मरीज़ है, वो भी बेहतर है इनको इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, आप जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको ये लिख रहे हैं, तो अगर आप कोई पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, बेहतर आप उनको बता देंगे पहले आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक है वो भी बता दें। दोस्तों, आपका एवल पेरिटोन या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।